स्वागत है दोस्तों आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन आप लोगों के लिए इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस टॉप एमसीक्यू सीरीज का उद्देश्य क्या है? इस टॉप एमसीक्यू सीरीज का उद्देश्य है कि एमसीक्यू के माध्यम से प्रिलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरे एमसीक्यू के माध्यम से आपके सिलेबस को कवर करना, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आप लोगों का पोर्शन है उसे मैं लूंगा। तो चलिए देखते हैं आज की विषय सूची क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले चीज जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के कुछ बेसिक चीजों के ऊपर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो संचालित कैसे होती है। तो इस वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को कैसे डिवाइड किया जाता है, और जब हम लोग ये जान लेंगे कि विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे संचालित होती है, तो हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में काम करने के बाद में धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो है वो धन संबंधी बातों का अध्ययन से ही रिलेटेड है। फिर हम लोग ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी होती है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के हेडिंग को समझना जरूरी होता है। जैसे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यदि इस शब्द की बात करें हम लोग, तो ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और व्यवस्था, जिसमें अर्थ जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धन, और व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब धन संबंधी बातों का अध्ययन या धन संबंधी बातों के मैनेजमेंट का अध्ययन जो है इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ा जाता है कि कैसे एक परिवार या देश जो है वो सीमित संसाधनों का ऐसे सर्वोत्कृष्ट तरीके से या ऐसे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करता है कि वर्तमान में देश और देश के सारे नागरिकों की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही करता है और धन को ध्यान में रखते हुए लोगों का विकास भी करता है। तो दोस्तों जैसे कि लोगों के मन में अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट सुनने से पहले ही ये मेंटेलिटी बन जाती है कि इसमें केवल मार्केट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा ये सब्जेक्ट का मेन मोटो क्या है, धन को रखकर लोगों का, सभी लोगों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस सीरीज में, इस इकोनॉमिक सीरीज में हम लोग यही देखेंगे कि विश्व की अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे संचालित होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है कि एमसीक्यू के माध्यम से इस पूरे सीरीज को चलाएंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो जैसा कि मैंने बताया कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं, संरचना के आधार पर यदि अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को तीन अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले टाइप की अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या जिसे क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वही दूसरे टाइप की यदि इकोनॉमी की बात करें तो वो होती है राज्य अर्थव्यवस्था, या जिसे क्या बोला जाता है, स्टेट इकोनॉमी। वही यदि तीसरी टाइप की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों तो वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, या जिसे बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ध्यान में रखिएगा यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित कैटेगरी की होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये जो तीन अलग अलग टाइप की अर्थव्यवस्था हम लोग देखे वो होती क्या है और उसमें विभिन्न देशों का संचालन कैसे होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, या जिसको क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई शब्द पढ़ते हैं उस शब्द का मीनिंग यदि हम लोग को क्लियर है तो वो टॉपिक भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। पूंजीवादी को ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, पूंजी और वाद। मतलब पूंजी का यहां पर अगर इंग्लिश मीनिंग देखें हम लोग तो क्या होता है, कैपिटल, और वाद मतलब बोलना।
तो कहने का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का या जो कैपिटल लगाने वाला है उनका बोलबाला रहे, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलने वाले हैं हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं ये कैपिटल शब्द से हम लोग क्या समझते हैं। ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमी में ये जो दो शब्द है कैपिटल और मनी, ये बार बार आप लोग के सामने आएगा। जो दोनों में हम लोग सबसे पहले अंतर समझ लेते हैं तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मनी, मनी का साधारण शब्द में यदि साधारण अर्थ मतलब समझे तो क्या है, ये पैसा या वो धन राशि जिसे हम लोग खर्च करके कोई एक सामान जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मनी मतलब साधारण शब्दों में बोला जाए तो एक वो धन राशि होती है जिसका उपयोग करके हम लोग मार्केट जाकर कोई भी सामान जो है खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान में रख लेना दोस्तों कि सामान खरीदने के बाद मतलब अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद में जो पैसा बचता है, या तो उस पैसे को हम लोग बैंक में रखते हैं या तो उस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और यदि बैंक में रखते हैं तो उससे हम लोगों को मिलता है इंटरेस्ट या फिर जिसे क्या बोला जाता है ब्याज। वही हम लोग यदि इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां से हम लोग को मिलता है प्रॉफिट, या इसको क्या बोलते हैं लाभ। तो कहने का मतलब खर्च करने के बाद में बची वो धन राशि जिससे मेरे पैसे में वृद्धि होती है, या तो ब्याज मिलने के कारण या तो फिर प्रॉफिट मिलने के कारण या लाभ मिलने के कारण, तो वो बची धन राशि जो कहलाती है दोस्तों उसी को क्या बोला जाता है कैपिटल। कहने का मतलब निवेश योग्य जो राशि होती है या एक इन्वेस्टिबल जो फंड होता है उसे क्या कहा जाता है कैपिटल। कहने का मतलब यदि हम लोग अब इसकी बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निवेशक जो है वो निजी होते हैं। कहने का मतलब व्यापार जो है, ठीक है, यहां पर व्यापार जो है वो निजी उद्योगपतियों द्वारा संचालित किया जाता है। कहने का मतलब यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक सभी गतिविधि निजी कंपनी द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित हो। कहने का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहने का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद में धन की प्राप्ति हो। जैसे सपोज करो दोस्तों, जैसे तालाब में मछली पड़ी हुई है, ठीक है, तालाब में मछली पड़ी हुई है तो उस मछली की वैल्यू तब तक जीरो है जब तक उसको एक मछुआरा जो है जाल लगाकर उस मछली को पकड़ नहीं लेता और बाहर में नहीं निकाल लेता। ठीक है, जब वो जाल, मतलब कहने का मतलब वो मेहनत किया, वो जाल डाला और वहां से मछली पकड़ा और मार्केट में ले जाकर जब बेच रहा है तब उसको किसकी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, कि ऐसा लगता है हम लोगों को कि जब हम लोग तालाब देखते हैं तो ऐसा लगता है देखो 10 रुपये का नोट तैर के जा रहा है या 100 रुपये का नोट तैर के जा रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं दिखता, कहने का मतलब उस मछली की वैल्यू तब तक जीरो है जब तक उसको मेहनत करके वो मछुआरा पकड़ के लाकर मार्केट में बेचता नहीं। कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद में धन की प्राप्ति हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब उत्पादन से लेकर वितरण, मतलब रॉ मटेरियल कलेक्शन करने के बाद में, कच्चा माल प्राप्त करने के बाद में उसको विनिर्माण, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्ट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके उसको जब तक एक यूजफुल प्रोडक्ट में नहीं बदल देते तब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो कहने का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, या इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मतलब ये सारी एक्टिविटीज जो है किसके द्वारा परफॉर्म हो, प्राइवेट कंपनी के द्वारा परफॉर्म हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था है एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, उसके विचार से प्रभावित थी और विश्व में सबसे पहली टाइप की जो अर्थव्यवस्था देखी गई एडम स्मिथ के विचारधारा के आधार पर वो कौन सी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी गतिविधियां हैं
वो किसके द्वारा संचालित हो, निजी कंपनी के द्वारा संचालित हो। कहने का मतलब यहां पर गवर्नमेंट की कोई भी एक कंपनी नहीं रहने वाली, यहां पर जितने भी काम होंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होंगे, वो सब किसके द्वारा होंगे, प्राइवेट कंपनी के द्वारा होंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं अमेरिका में। ठीक है, यदि अमेरिका की बात करें तो वहां पर सरकार कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं करेगी, जितने भी जो प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है वो सब जो है वहां पर अपनी कंपनी डालेंगे और उत्पादन के कार्य करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हम लोग देख लिए केवल प्राइवेट कंपनी होगी, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं ये भी हम लोग को पता होना जरूरी है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की इकोनॉमी में देखो प्राइवेट कंपनी वाला जब भी काम करवाता है, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी हमेशा किसको ध्यान में रखता है, ये होते हैं प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, लाभ कमाना है इनका एक उद्देश्य होता है, और लाभ कमाने के लिए वो अपने वर्कर्स को, ठीक है, यदि 8 घंटे का काम है तो वो पूरे 8 घंटे वो भी पूरे ईमानदारी से काम करवाने के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब इस प्रकार की इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन है या उस वस्तु का उत्पादन है, वो तेजी से होगा, वो तेजी से होगा। और यदि मान लो किसी वस्तुओं का उत्पादन तेजी से हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तु जो है वो कम समय में बनने लगेंगी, और ज्यादा से ज्यादा वस्तु जब कम समय में बनने लगेंगी, कहने का मतलब उस टाइप की इकोनॉमी में जो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा वो कैसा देखने के लिए मिलेगा, रैपिड देखने के लिए मिलेगा, मतलब तेजी से इस टाइप की इकोनॉमी में हम लोग को ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ग्रोथ तो तेजी से यहां पर मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो काम जो है प्राइवेट कंपनियां करवा रही है तो ये प्रॉफिट मोटिव होती है, ना कि लोक कल्याण के लिए यहां पर होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना एक समस्या इस टाइप की इकोनॉमी में उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी या धन के केंद्रीकरण की समस्या, या फिर इसे क्या बोला जाएगा, धन के केंद्रीयकरण की समस्या। कहने का मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट का हिस्सा है वो कंपनी का मालिक ले जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में अडानी अंबानी जैसे वर्ग जो है वो अरबों खरबों के मालिक है, लेकिन उनके जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो करोड़पति तक नहीं। कहने का मतलब ये जो कंपनी के जो बॉस होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव काम करवाते हैं, और जो धन है उसका मैक्सिमम हिस्सा वो अपने पास रखते हैं। कहने का मतलब एक वर्ग यहां पर अमीर हो गया और एक वर्ग क्या हो गया दोस्तों, गरीब हो गया। तो कहने का मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी के चक्कर में क्या देखेंगे, हमारे यहाँ गरीबी जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और जब गरीबी बढ़ते जाएगी, ठीक है, तो जब गरीब समाज में ज्यादा होंगे दोस्तों, तो गरीब कहने का मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब वस्तु तो इस टाइप की इकोनॉमी में तेजी से बनती रहेगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग गरीब हो जाने के कारण जो है उस वस्तु को खरीद नहीं पाएगा। तो जब वस्तु बिकेंगे ही नहीं तो क्या देखेंगे, आगे चलकर इस टाइप की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डाउनफॉल फॉल या रिसेशन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो शुरुआत में तेजी से ग्रो तो करेंगे, लेकिन उतने ही तेजी से गरीबी और बेरोजगारी को ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गरीबी बढ़ेगी और इस टाइप की इकोनॉमी में बेरोजगारी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। रीजन क्या, जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, स्वयं के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लोग कल्याण की भावना इस टाइप की इकोनॉमी में नहीं होती। कहने का मतलब ये 4 लोगों का काम जो है वो एक व्यक्ति से कराने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है, इनको पर्सनल प्रॉफिट से क्या होता है, मतलब होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसी भी टाइप की इकोनॉमी के बारे में पढ़ो ना तो हमेशा 3-4 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो अपने दिमाग में आने चाहिए। एक तो सबसे पहले उस इकोनॉमी में इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कौन करेगा। तो देख रहे हैं यहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले अपने को क्या क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा भाई, पॉवर्टी या गरीबी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर या अनएम्प्लॉयमेंट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर ध्यान में रखना यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज या वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है वो कैसे तय किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्राइवेट कंपनी वाले हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी वाले हैं, ध्यान में रखिएगा इस टाइप की इकोनॉमी में जो वस्तु और सेवाओं की कीमत जो है वो ओपन मार्केट में, या जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त
बाजार में, मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तथा तथा मांग, मांग व आपूर्ति पर, मांग व आपूर्ति पर निर्भर होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है, यहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो कैसे किया जाएगा दोस्तों, मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा मांग व आपूर्ति के अनुसार। मतलब जनता जितना ज्यादा जिस वस्तु की डिमांड करेगी उतना ज्यादा उस वस्तु का प्रोडक्शन भी किया जाएगा, और चूंकि डिमांड ज्यादा है तो धीरे धीरे उसका प्राइस भी क्या होते जाएगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब किसी वस्तु का जो प्राइस है वो किस पर निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करता है। जनता ही किसी वस्तु को बना सकती है और जनता ही किसी वस्तु की डिमांड को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। जैसा कल के डेट में यदि भारतीय जो हैं सब एक साथ मिलजुल कर चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर दें तो उनकी डिमांड अचानक से क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे करके कंपनी लॉस में चलते जाएगी, क्योंकि उस वस्तु को खरीद बंद तो गई है वस्तु, लेकिन वस्तुओं को खरीदने वाला कोई भी होने वाला नहीं है, और वो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद होने के कगार पे आ जाएगी। कहने का मतलब इस टाइप की इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा होता है, बड़ी होती है, वो कौन होती है, जनता। कहने का मतलब इस टाइप की इकोनॉमी में जनता ही क्या होती है, सर्वोपरि होती है। और जैसे जैसे वस्तुओं का डिमांड क्या होते जाता है दोस्तों, बढ़ते जाता है, उस वस्तु का प्राइस भी क्या होते जाता है दोस्तों, बढ़ते जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसे कौन से टाइप की इकोनॉमी बोले हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान में रखिएगा, इस टाइप की इकोनॉमी में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो प्राइवेट कंपनी कर रही है, जैसे कि मैंने पहले बोला। ध्यान में रखना, गवर्नमेंट यहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट जो है अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करती है। कहने का मतलब कितना उत्पादन करना है, क्या चीज का उत्पादन करना है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पूरी तरीके से जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होता है। इसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों की बेसिक में, सबसे पहले ये देखेंगे कि विश्व की अलग अलग प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे संचालित होती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सेकंड हम लोग आते हैं राज्य अर्थव्यवस्था, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थ व्यवस्था। तो जैसा कि मैंने क्या बोला दोस्तों, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक कमी क्या थी, कि वहां पर जितने भी काम थे वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा की जाती थी, और सरकारी अहस्तक्षेप की नीति के कारण यदि चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं तो वो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन सरकार जो है उसको कंट्रोल करने का काम नहीं करती थी। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें लोक कल्याण की भावना निहित नहीं थी, केवल पर्सनल प्रॉफिट पर बेस थी। तो जो पूंजीपति है वो अपने स्वयं के प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा काम जो है वो कम लोगों से कराते थे, और खुद तो अमीर हो जा रहे थे लेकिन अमीरी और गरीबी का फर्क जो है वो बढ़ता जा रहा था। कहने का मतलब ज्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीबी की ओर अग्रसर थी। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक समय में वो जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से प्रोडक्शन तो करते जाएगी, कहने का मतलब तेजी से धन तो बढ़ते जाएगा, इकोनॉमी तो बढ़ते जाएगी, लेकिन तेजी से ये गरीबी को भी बढ़ा देगी, क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना जो है वो निहित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इस कमी को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने सेकेंड टाइप की इकोनॉमी की नींव रखी, जिसको क्या बोला गया, स्टेट इकोनॉमी। ध्यान में रखिएगा, विश्व में इसके दो अलग अलग स्वरूप जो है वो दिखाई पड़ते हैं। एक को बोला जाता है सोशियलिस्टिक, ठीक है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा कम्युनिस्टिक, या जिसे बोला जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये जो सोशलिस्टिक अप्रोच है वो हम लोगों को बोल्शेविक क्रांति 1917 के दौरान यूएसएसआर या रशिया में देखने के लिए मिला। वही साम्यवादी टाइप के जो इकोनॉमी है वो 1990 के आसपास के चीन में, उससे पहले के चीन में हम लोग को इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो दिखाई पड़ती थी। चलिए, तो जैसा कि मैंने क्या बोला था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफी सारी कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए स्टेट इकोनॉमी आई, और सबसे बड़ी कमी क्या थी, सरकारी मतलब हस्तक्षेप वहां पर नहीं होता था। कहने का मतलब जो पूंजीपति अपनी मनमानी करते थे, लोक कल्याण को ध्यान में नहीं रखते थे।
जैसे मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब होते जा रहे थे, बेरोजगार होते जा रहे थे, तो ये समस्या के कारण वो जो इकोनॉमी है एक समय के बाद में तेजी से धड़ाम से गिरी। ठीक है, तो जो उस समय के इकोनॉमिस्ट थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि ऐसी समस्या फ्यूचर में पैदा ना हो तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे दूर किया जाएगा। राज्य अर्थव्यवस्था, देखो ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जितनी भी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है या आर्थिक गतिविधि है, देखो आर्थिक गतिविधि के लिए, ठीक है, कहने का मतलब उत्पादन से लेकर जो वितरण तक जितनी भी गतिविधियां हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा कि अब मैं उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी गतिविधि है, मतलब मैन्युफैक्चर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ये पूरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो बार बार ये वर्ड यूज ना करके मैं अब सीधा कौन सा वर्ड यूज करूंगा दोस्तों, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है अब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा हो, मतलब यहाँ पर केवल और केवल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो दिखाई हम लोग को पड़ने वाली है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पर्सनल प्रॉफिट पर काम करती थी, लोक कल्याण की भावना नहीं होती थी। अब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि काम उतना ही हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जितने भी काम है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जितने भी हैं, वो किसके द्वारा करवाया जाए, सरकार के द्वारा करवाया जाए। और जब जब सरकार काम करती है तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा सरकार जो है वो लोक कल्याण या पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर करती है। कहने का मतलब यदि चार लोगों का काम है तो वो चार लोगों से ही करवाएगी, ठीक बात है, पर्सनल प्रॉफिट नहीं। यदि सरकार के पास में एक रुपए भी आता है तो उसको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वो आप तक ही पहुंचा देती है। तो कहने का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो सरकारी कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा हो, ठीक बात है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी टॉपिक यदि इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं तो तीन चार चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, तीन चार क्वेश्चन अपने आप से करना है। एक तो सबसे पहली बात, वहां पर जो वस्तुएं हैं, वस्तु एवं सेवाओं की जो भी खरीदी बिक्री हो रही है, ठीक है, वो उसका निर्धारण कैसे हो, किसके द्वारा हो। दूसरा, गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथा, वो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है या ग्रोथ हम लोग को देख रहे हैं वो कैसी दिखाई पड़ेगी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये चारों प्रश्नों का उत्तर खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा करवाई जाए, सरकारी कंपनी के द्वारा करवाई जाए। ध्यान में रखिएगा इस टाइप की इकोनॉमी में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी कौन करता है दोस्तों, सरकार ही करता है। ये भी कौन करता है, सरकार ही करता है। कहने का मतलब, ठीक है, द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड जिसे हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस के नाम से भी हम लोग जिसे जानते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं प्रशासित मूल्य। कहने का मतलब जब किसी भी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा मांग व आपूर्ति पर ना निर्भर होकर गवर्नमेंट ही जब उसका प्राइस डिसाइड करे और अपने उचित मूल्यों के दुकानों के माध्यम से जब उसे बेचने लगे, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं प्रशासित मूल्य या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा चूंकि लोक कल्याण की भावना है, और लोगों का कल्याण कब होगा, जब सभी प्रकार की वस्तुएं जो है सभी लोगों को मिले। तो कैसे मिलेंगी, गवर्नमेंट जो है उसका रेट जो है मिनिमम रेट रखते हुए उसको जब बेचेगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हाल के न्यूज में ही पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार ने भारत आटा लॉन्च किया है जिसकी कीमत है 27.5 रुपए। चूंकि डे बाय डे देख रहे हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन कम होने के कारण गेहूं के जो कीमतें हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रही है, तो देश के नागरिकों को खाद्यान्न की समस्या ना होकर करके गवर्नमेंट ने भारत आटा नाम का एक पैकेट जो है वो मोबाइल वैन के द्वारा ये बेचना जो है वो चालू किया है।
जिसकी कीमत मैंने क्या बताया दोस्तों 27.5 रुपए पर केजी। ऐसे ही प्राइस, कहने का मतलब जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशासित मूल्य। ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट जो है लोक कल्याण के लिए काम करती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए सोचेगी और इसके कारण पॉवर्टी या गरीबी जो है इस टाइप की इकोनॉमी में क्या होगी दोस्तों, कम होगी। वही हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा गरीबी बेरोजगारी और क्यों कम होगी, क्योंकि गरीबी से संबंधित विभिन्न जो है योजना चलाई जाएंगी। जैसे हम लोग यदि छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी योजना, या केंद्र सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो गरीबी मिटाने के लिए है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम, ठीक, तो मनरेगा कार्यक्रम आपने सुना ही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए पंचायतों के माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं, स्थानीय लोगों को जो रोजगार नहीं है कम से कम उनके घर के एक सदस्य को जो है मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, और यदि सरकार विफल रहती है तो उनको पे किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये किस प्रकार की इकोनॉमी में ये पॉसिबल है, स्टेट इकोनॉमी में ही ये पॉसिबल है। वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, गरीबी के लिए काफी सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की नरवा गरवा गुरुवा बारी योजना हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, ठीक है, ये सब किससे लड़ने के लिए, किससे निपटने के लिए है दोस्तों, तो ध्यान में रखिए गरीबी से निपटने के लिए। वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन में बेरोजगारी में भी या अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। रीजन क्या, गवर्नमेंट जो है लोक कल्याण के लिए अगेन यहां पर काम करती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करती है, जिससे अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी स्वतः ही दूर हो जाएगी, ठीक है। और रोजगार के लिए गवर्नमेंट जो है काफी सारे स्कीम जो है वो चलाती है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट लेकर आ रही है गरीबी को मिटाने के लिए और बेरोजगारी को मिटाने के लिए। इस टाइप की इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे देखने के लिए मिलेगी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों स्टेट इकोनॉमी है, ठीक है, तो इस टाइप की इकोनॉमी में पिछले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कमी है उसको तो दूर कर लिया गया, वहां पर कमी क्या थी, सरकार था लेकिन जीरो इंटरफेरेंस की पॉलिसी या लेजिस फेरी या अहस्तक्षेप की नीति जो है सरकार लेकर आया था। कहने का मतलब जितना उत्पादन करना है जिस मूल्य पर बेचना है बेचो, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो प्राइवेट कंपनी वाले थे वो अपने वर्कर को 8 घंटा नहीं 10 घंटा भी काम करवाते थे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराने के बारे में सोचते थे, लेकिन यहां पर सरकार है, सरकार विदाउट एनी प्रेशर जो है अपने वर्कर को प्रेशराइज नहीं करता, ठीक है, और जिससे उनके काम करने के तरीके में क्या आती है। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, जैसे मैं एक सरकारी कंपनी कर्मचारी है, उसको पता है कि वो 8 घंटा काम करेगा तब भी उसको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, यदि 10 घंटा काम करेगा तब भी उसको फिक्स सैलरी मिलेगी, कितना भी अच्छा काम कर लेगा तब भी उसको फिक्स सैलरी मिलने वाली। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर काम में आलसमन दिखाई देगा। रीजन क्या, उसको पता है कि मैं काम करूं चाहे ना करूं मुझको तो इतनी सैलरी मिलनी है, ठीक है ना दोस्तों। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, यदि आप काम नहीं कर रहे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है इस टाइप की इकोनॉमी में हम लोग को देखने के लिए मिली। तो क्या देख रहे हैं, इस टाइप की इकोनॉमी में एक कमी क्या थी, कार्य के प्रति हम लोगों को आलसपन, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं रेड टेपिज्म भी शब्द यहां पर यूज कर सकते हैं, रेड टेपिज्म या लाल फीता शाही की जो समस्या है इस टाइप की इकोनॉमी में देखने के लिए मिली। ये रेड टेपिज्म या लाल फीता शाही क्या होता है इसको समझिएगा, जब जबरन जो है एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो है वो काम को टालता है, जैसे कि आप कोई एक आध बैंक गए, ठीक है, आपको कुछ बैंक में काम है, काउंटर नंबर वन वाला बोला कि काउंटर नंबर 3 में जाइए, काउंटर नंबर 3 वाला बोला कि ये तो 5 वाले का काम है, 5 वाला बोला कि ये 7 वाले का काम है, और 7 वाला बोला कि भैया ये तो 1 वाले का ही काम है। कहने का मतलब जो काम एक बार में हो जाना था उसके लिए आप टेबल टू टेबल घूमते गए और जिसमें आपको काफी ज्यादा समय लग गया। मतलब जबरन जब हम लोग काम में डिले करते हैं, टेबल बाय टेबल हम लोग मूव करते हैं, ठीक है,
तो कहने का मतलब जो काम हम लोग का एट अ टाइम हो जाना चाहिए उस टाइम मतलब उस काम को करने के लिए हम लोग को काफी समय देना पड़ जाता है और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों लाल फीताशाही की समस्या। तो ध्यान में रखिएगा लाल फीताशाही की समस्या देखने के लिए मिली जिससे जबरदस्ती का काम में डिले हो गया और जब जबरदस्ती का काम में डिले होगा ये कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा, प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा और जब प्रोडक्शन हैम्पर होगा प्रोडक्शन या उत्पादन में कमी आएगी तो सीधी सी बात है दोस्तों जो ग्रोथ है उस पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा और ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर कैसे मिलेगा दोस्तों कम मिलेगा। तो देखो यहाँ पर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई काम के प्रति आलसपन या फिर लाल फीताशाही की समस्या। ठीक है तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर यह प्रेरित थी, पहले में भी कुछ समस्या आई दूसरे में भी कुछ समस्या आई प्लस एक और समस्या इस टाइप की इकोनॉमी में हम लोग देखे। ठीक है कि यहां पर चूंकि सारी वस्तुओं का जो मूल्य है वो सरकार ही निर्धारित करके भेज रही है और यदि सरकार ही सारी सरकारी कंपनी उसको बेचने लगे तो कंपटीशन जो है वो इस टाइप की इकोनॉमी में क्या हो जाएगी दोस्तों जीरो हो जाएगी, मतलब प्रतिस्पर्धा जीरो हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा जीरो होने से घाटा किसको है दोस्तों आपको है। जैसे सपोज करो कुछ साल पहले की बात हम लोग करते हैं जब भारत जो है ठीक है 2G इंटरनेट सेवा लेता था, जियो आया अचानक से और जियो जो है वो फ्री में लोगों को 3G सर्विस प्रोवाइड करने लगा। ठीक है उससे पहले हम लोग 1 GB जो इंटरनेट है वो पूरे एक महीना तक हम लोग चलाते थे उसमें भी बचा लेते थे लेकिन जियो ने बोला कि मैं 3G सर्विस प्रोवाइड करूंगा और एक दिन में 1 GB दूंगा। ठीक है तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो चलना क्या हो गया दोस्तों बंद हो गए और चलना बंद हो गया तो उन्होंने भी अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया वो भी 3G सर्विस लेकर आए। कहने का मतलब कंपटीशन उन कंपनियों के बीच में हुआ और इससे फायदा किसको हुआ दोस्तों जनता को। आज जो जनता है एक दिन में 1 GB कब खत्म हो जाता है ये भी उनको पता नहीं चलता है। सीधी सी बात है अब यदि जियो वाले को और भी ठीक है अपने सामान बेचने हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ने हैं तो उसको और भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी और 4G नहीं 5G नहीं 6G तक भी जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों जब भी कंपटीशन आता है तो इससे फायदा किसको मिलता है, कहने का मतलब जनता को फायदा मिलता है। ठीक है और स्टेट इकोनॉमी में चूंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो केवल सरकारी है, कहने का मतलब पूरी और पूरी तरीके से सारे भारत में अपने को BSNL ही मिलेगी तो क्या BSNL की दो अलग अलग ब्रांच आपस में कंपटीशन करेंगे क्या? नहीं, जो उनकी गवर्निंग बॉडी जो डिसाइड करेगी वो पूरे भारत भर में ठीक है एप्लीकेबल किए जाएंगे। कहने का मतलब यदि वो डिसाइड कर ली कि 2G सर्विस ही देना है तो जन्मो जन्मांतर तक जो है वो केवल 2G सर्विस ही अपने को मिलता रहेगा। कहने का मतलब कंपटीशन यहां पर जीरो हो जाएगा और यदि कंपटीशन जीरो होता है तो एडवांसमेंट भी क्या हो जाता है दोस्तों जीरो। कहने का मतलब तकनीकी नवोन्मेष के कार्य या इनोवेशन के काम यहां पर क्या पड़ जाएंगे सुस्त पड़ जाएंगे, गवर्नमेंट जो हम लोगों को देगा केवल उसी को ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा। इसको क्या बोले दोस्तों हम लोग स्टेट इकोनॉमी या फिर राज्य अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की इकोनॉमी जिसको हम लोग बोले मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या जिसको हम लोग क्या बोले मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अब जैसे कि पहले में क्या दिक्कत थी गवर्नमेंट जीरो इंटरफेरेंस अपना रहा था, दूसरे में क्या दिक्कत थी ठीक है कि कंपटीशन क्या हुआ था जीरो हुआ था। ठीक है तो देखो जब जब किसी टाइप की थ्योरी में कमी आती है तो कोई एक नई थ्योरी का क्या होता है दोस्तों जन्म होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है या आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों के माध्यम से संचालित हो। कहने का मतलब इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कंपनियां भी रहेगी और प्राइवेट कंपनियां भी रहेंगी, दोनों अपने क्षमता अनुसार यहां कार्य करेंगे और आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे कंपीट करेंगे। और ध्यान में रखिएगा इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और जब जब कंपटीशन आता है मैंने क्या बोला है दोस्तों जनता को जो है एक अच्छी और सर्वोत्कृष्ट चीज जो है वो दोनों उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं।
कहने का मतलब कंपटीशन आने से यहां पर गवर्नमेंट की कंपनियां भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, और प्राइवेट कंपनियां तो है वो पर्सनल प्रॉफिट के बेस पर होती है, कहने का मतलब वो तो पहले से ही एडवांसमेंट की ओर आगे बढ़ती है। तो दोनों के बीच में यदि कॉम्पिटिशन होगा तो इससे फायदा किसको होगा दोस्तों? जनता को फायदा होने वाला, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यदि ठीक है जियो 4G लेकर आ रहा है तो BSNL को भी 4G लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिकने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो सरकार को भी यहां पर एडवांसमेंट लाना पड़ेगा और निजी कंपनियों को भी यहां पर क्या लाना पड़ेगा? एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, और इससे फायदा किसको होगा दोस्तों? जनता को होगा। तो चूंकि यहां पर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट यहां पर देखे जैसे क्या बोलते पूंजीवादी में गवर्नमेंट ना होने के कारण या क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट के अहस्तक्षेप की नीति के कारण लोगों का जो लोक कल्याण था उसमें क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। चूंकि यहां पर गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनियां भी है, और गवर्नमेंट जब भी काम करती है किसके लिए काम करती है? लोक कल्याण के लिए काम करती है, और लोक कल्याण के लिए यदि काम करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो रोजगार देने के लिए भी कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब रोजगार गवर्नमेंट कंपनी भी दे रही है और कौन दे रहा है? प्राइवेट कंपनियां भी दे रही है। कहने का मतलब जब दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो रोजगार में और क्या होगी? यहां पर वृद्धि होगी। कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होते जाएगा दोस्तों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो पॉवर्टी या गरीबी एज वेल एज क्या होते जाएगी? यहां पर कम होते जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों में क्या आई? यहां पर कमी आई। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इस टाइप की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ध्यान में रखना वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है इस टाइप की इकोनॉमी में, ध्यान में रखना मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा मांग व आपूर्ति पर निर्भर की। कहने का मतलब ओपन मार्केट में कंपटीशन के थ्रू डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब जैसे जैसे वस्तुओं का डिमांड बढ़ते जाता है, हम जानते हैं कि उस वस्तु का प्राइस भी बढ़ते जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जीरो थी, तो प्राइस यदि बढ़ते जा रहा था तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन मिक्स टाइप की इकोनॉमी में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ते जा रहा है, और जब प्राइस एक समय के बाद में अपने पीक पर पहुंच जाएगा, जब लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे वस्तु को, तो गवर्नमेंट यहां पर इंटरफियर करेगा। गवर्नमेंट जो है यहां पर इंटरफियर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, और उस वस्तु के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने ठीक है एग्जाम्पल में सुना था, ठीक है, कि केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक भारत आटा क्या किया है? लॉन्च किया है, और 27.5 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचना क्या किया है? चालू। वही देख रहे हैं दोस्तों कि अपने मोबाइल वैन के माध्यम से प्याज बढ़ी हुई कीमत के कारण प्याज भी गवर्नमेंट जो है वो बेच रहा है। कहने का मतलब प्राइस जब बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगा। रीजन क्या? अगेन पब्लिक वेलफेयर। तो इस टाइप की इकोनॉमी, मतलब ये जो कंडीशन है हम लोगों को इंडिया में देखने के लिए मिलती है, और इसी के कारण इंडियन इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब यहां पर गवर्नमेंट कंपनियां भी है और प्राइवेट कंपनियां भी है, आपस में दोनों जो है कॉम्पिटिशन के माध्यम से काम करते हैं, जिससे जनता को भी फायदा होती है, नई नई चीजें मिलती है, तकनीकी निवेश के माध्यम से ठीक है आगे बढ़ा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इनोवेशन के काम को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, जहां पर प्राइवेट कंपनियां भी हो और गवर्नमेंट कंपनियां भी हो, और दोनों जो है मिलजुल कर क्या करे? काम करे। किसके थ्रू? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? जहां कृषि और उद्योगों दोनों को समान महत्व दिया जाता है, गलत। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं,
कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कहा जाता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व के पहले प्रकार की अर्थव्यवस्था जो थी वो कौन सी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो एडम स्मिथ के एक बुक एन एंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जैसे अक्सर आप लोग सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हो, इस पुस्तक पर ये आधारित थी, तो ध्यान में रखिएगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ। इस पुस्तक के माध्यम से उसने राष्ट्र की संपत्ति के सृजन के बारे में बताया था, ठीक है, कि कैसे अहस्तक्षेप की नीति के कारण, यदि कहने का मतलब सरकार का इंटरफेरेंस यदि उत्पादन में या प्रोडक्शन में जीरो कर दिया जाए तो लोग जो हैं जब, ठीक है, खुद के लिए जब काम करते हैं तो अपना 100% देकर काम करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है उन्हें किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग समझे कि संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम कितने भाग में बांटे थे, तो ये समझ लिए कि विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे काम करती है, कैसे अमेरिकन इकोनॉमी काम करती है, कैसे जापान की इकोनॉमी काम करती है, कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है काम करती है, या क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या होती है राज्य अर्थव्यवस्था, और क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जब हम लोग विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है ये सीख गए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के बाद में, है ना, मतलब किस प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के बाद में वहां पर धन की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये क्षेत्रक जो है ये इसी पर बेस्ड है, और इकोनॉमी को तीन मेजर या मेन सेक्टर में हम लोग डिवाइड किए हुए। तो यहां पर बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इकोनॉमी को तीन अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है, या तीन अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ये क्षेत्रक वो होते हैं जहां पर कोई भी एक वर्कर या इंसान जो है काम करता है, और काम करने के बाद में वहां से धन की प्राप्ति करता है। जिसमें सबसे पहला जो सेक्टर है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, या क्या बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। थर्ड को हम लोग बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, या जिसको क्या बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वही द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,